दोस्तों, अगर आप नी हिप शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं तो इस वेटिंग ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए? नंबर वन, आप उस जॉइंट के अराउंड एक मसल्स की एक्टिविटी करते रहें, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करते रहें ताकि मसल बल्क वेस्ट ना हो। मसल एक्सरसाइजेस करने से मसल टोनिंग बहुत अच्छी होती है, तो प्लीज डू नॉट स्टॉप योर एक्सरसाइज। नंबर टू, आप अपनी बोन डेंसिटी को बनाकर रखने के लिए इंपॉर्टेंट है रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए बोन स्ट्रांग हो। उस ड्यूरेशन में वॉकिंग, रेगुलर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और विटामिन डी रिच डाइट एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले ताकि आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए। डाइट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई प्रोटीन डाइट के साथ अपना वेट लूज करने की कोशिश करनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अगर आप करेंगे तो वेटिंग पीरियड का आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, एक्सरसाइजेस, बोन स्ट्रेंथ एज वेल एज वेट रिडक्शन, जिससे आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, आपकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिए।